नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पूजा फैशन बुटीक में। दोस्तों आज मैं जो आपको ब्लाउज की कटिंग बताने जा रहा हूँ, ये दोस्तों काफी हैवी साइज है और कटोरी वाले ब्लाउज की कटिंग है। तो साइज में एक बार आपको समझा देता हूँ, 19 इंच इसकी ब्लाउज की लंबाई है, 47 इंच इसकी अपर चेस्ट है, फुल बस्ट इसकी 52 इंच है, जो कि हमने लूजिंग इसमें 1 इंच ऐड कर लिया डीप गले के हिसाब से। और इसकी जो कमर है 46.5 इंच है, 10 इंची बाजू की लंबाई है, 13.5 इंच इसकी मोरी है, इसका आर्म होल 21 इंच है, फ्रंट का गला 8.5 इंच है और बैक का गला 8 इंच है। तो इस साइज से हमें ब्लाउज की कटिंग करना है। और दोस्तों इस वीडियो को अगर ध्यान से देखेंगे तो आपका जो कटोरी वाला ब्लाउज हैवी साइज का है तो बहुत ही परफेक्ट कटिंग होगा। तो सबसे पहले देखिए, एक निशान हमें यहाँ पे लगाना है, इधर हम हुक और आई के लिए एक मार्जिन रख लेंगे, ये देखिए यहाँ पे इस तरह से, और ऊपर की तरफ एकदम सीधा निशान हमें लगा देना है। ये इस तरह से हमने निशान लगा लिया। इसके बाद में देखिए इसका जो शोल्डर है, तो शोल्डर डाउन करना है। तो शोल्डर है इसका 16 इंच, तो 16 को दोस्तों 12 से डिवाइड करेंगे तो जितना आपका अंक प्राप्त होगा तो वो हमें शोल्डर डाउन करना है। तो 16 को हम 12 से डिवाइड कर रहे हैं तो दोस्तों ये आ रहा है 1 इंच 3 पॉइंट, यानी 1.25 इंच में 1 पॉइंट ज्यादा है। ठीक है, तो इस तरह से देखिए हमें निशान लगाना है 1.25 इंच में 1 पॉइंट एक्स्ट्रा। अब इस निशान को ये देखिए हमें इस तरह से एकदम स्ट्रेट कर देना है। अब दोस्तों ब्लाउज की जो लंबाई है तो वो हमें निशान लगाना है, 19 इंची ब्लाउज की लंबाई है तो हम 20 इंच पे एक निशान लगा लेंगे। आपकी ब्लाउज की जितनी लंबाई हो आप अपने हिसाब से लगाइएगा। ठीक है, अब यहाँ पे भी हमें किस तरह से निशान लगा लेते हैं ताकि नीचे निशान हमारा एकदम बराबर रहे। इस तरह से निशान लग चुका है, अब हम शोल्डर का निशान लगा लेते हैं। शोल्डर 16 इंच है तो 16 का आधा 8 इंच ये निशान लगाना है, और इसमें हम बाजू की दबाव का निशान लगा लेंगे। इसके बाद ये दोस्तों जितनी आपकी गर्दन हो ना, गर्दन की गोलाई, तो उसी के हिसाब से इसको रखा जाता है। तो दोस्तों जैसे मान लीजिए हमने गले की गोलाई नापी, ठीक है, उसे हम 5 से डिवाइड कर देंगे जितना अंक होगा। ठीक है, तो ऑटोमेटिक आपके ये जो नॉर्मल हम गला ब्रॉड रखते हैं तो वो दोस्तों निकल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम रख दे रहे हैं 3.25 इंच ये इस तरह से। इसके बाद में अब इस निशान को हमें सीधा मिला देना है नीचे वाले निशान से, ये वाले निशान से इस वाले निशान पे मिलाना है। ठीक है, ये हमने इस तरह से मिला दिया। अब इसके बाद में दोस्तों इसकी जो फुल बस्ट है तो वो हमें डॉट पॉइंट का निशान लगाना है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको 40, 41, 42 इंच तक तो दोस्तों ये चौथा भाग में 1+ करके निशान पे लग जाता है। ठीक है, लेकिन जब इससे हैवी साइज होता है तो दोस्तों इसमें ये गणित काम करना बंद कर देते हैं, क्योंकि इसके हिसाब से बहुत नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो इसके आगे की गणित आप ना लगाएं, इसका ज्यादा से ज्यादा आप 13 इंच बस्ट पॉइंट की दूरी रखनी है। ठीक है, इससे ज्यादा आपको नहीं रखना, चाहे 52 इंच हो जाए या 54 इंच हो जाए। ठीक है, इसलिए मैं ये 13 इंच पे रख रहा हूं। ठीक है, ये 2-3 चीजें हैं इस साइज में, हैवी साइज में दिक्कत करती हैं, तो इन चीजों को आप ध्यान से नोट कर लेना ताकि आपको आगे अगर इस साइज का ब्लाउज कटिंग करना पड़े तो दिक्कत ना हो। ठीक है, अब ये निशान हमने इस तरह से लगा दिया। अब दोस्तों ये देखिए हमें फ्रंट पल्ले के लिए क्या करना है, मान लीजिए हमारा बॉडी मेजरमेंट हमारा 51 इंच है। ठीक है, इसमें हमने क्या किया, 1 इंच लूजिंग के लिए ऐड किया क्योंकि डीप गला 8 इंच है। अब इसे हम यहाँ पे लिख देंगे 52 इंच, क्योंकि तैयार नाप हो जाएगा 52। ठीक है, अब दोस्तों देखिए फ्रंट पल्ले के लिए ध्यान से देखिएगा, फ्रंट पल्ले के लिए हमें क्या करना है, इसमें 4 इंच प्लस करना है। 4 इंच हम जब 52 इंच में प्लस कर देते हैं तो ये दोस्तों हो जाता है 56 इंच। ठीक है, अब दोस्तों 56 इंच का आधा कर लेना है तो यहाँ पे आएगा 28 इंच, यानी जो हमारा फ्रंट का पल्ला कटेगा तो 28 इंच का कटेगा, और बैक का पल्ला जब काटेंगे तो वो मैं उसको आपको माइनस करके बताऊंगा कि कितना हमारा बैक का पल्ला कटिंग होगा। ठीक है, तो ये देखिए जो 28 का आधा है 14 इंच, तो यहाँ पे हमें ये जो बस्ट पॉइंट की दूरी वाला निशान है, ये जो फुल बस्ट वाला निशान, उस पर यहाँ पे हमें 14 इंच पे निशान लगाना है। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों ये देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, अपर चेस्ट में सीधे 5 इंच का फर्क है, 4 या 5 इंच का, तो उसमें दोस्तों हम इसका जब आर्म होल डाउन करेंगे तो अपर चेस्ट के हिसाब से डाउन करेंगे। ध्यान रखना है अपर चेस्ट में काफी फर्क हो, 4 इंच 5 इंच 6 इंच,
तो दोस्तों इसी तरह से आपको कटिंग करना है, क्योंकि इसमें अपर चेस्ट और फुल बस्ट के हिसाब से कटिंग कर देंगे तो काफी हमारा इसमें झोल आ जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो इसमें देखिए मैं बता देता हूँ, 47 और 52 यानी 5 इंच का टोटल फर्क है इसमें। 47 इंची जो हमारी चेस्ट है, इसमें भी हम 4 इंच फ्रंट पल्ले के लिए प्लस करेंगे, ठीक है। जैसे हमने इसमें प्लस किया ना 52 में, तो इसमें भी हमें प्लस करना है। तो 47 और 4 कितने हो गए, 51 इंच। तो यानी जो देखिए 51 का आधा होता है 25.5 इंच। तो शोल्डर का जो निशान लगेगा तो ये 25.5 इंच के हिसाब से लगेगा और अपर चेस्ट 25.5 इंच पे निशान आएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये मैं यहाँ पे 25.5 का आधा कर देता हूँ, 12.5 इंच। तो यहाँ पे हमें किस तरह से निशान लगाना है, और इसके बाद में दोस्तों यहाँ पे हम क्या करेंगे, 12.5 इंच ये माइनस कर देंगे, और ये जो निशान है ये देखना है यहाँ बाजू से और ये वाले निशान पे जितना होगा, तो वो हमें इंची टेप को ऊपर करके रखना है। तो 4.25 इंच हमारा मार्जिन बीच का ये गैप आ रहा है, तो 4.25 इंची टेप को देखिए यहाँ से हमने ऊपर की तरफ कर दिया है। अब इसका जो आर्म होल है 21 इंच है, तो 21 का आधा कर लेना है, ठीक है, 10.5। तो ये हमें यहाँ पे 10.5 इंच पे निशान लगाना है। तो दोस्तों ये देखिए जो इसका आर्म होल ऑटोमेटिक यहाँ पे डाउन हो चुका है, आपको अंदाजा नहीं रखना है कि आप 6.5 रख दें या 7 रख दें या 8 रख दें, ठीक है, इस तरह से बिल्कुल भी नहीं रखना। इससे क्या है कि आपका जो यहाँ पे झोल आता है या फिर यहाँ पे रिंकल आते हैं तो वो दोस्तों आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है, इस तरह से निशान लगाने के बाद में। अब ये जो हमारा देखिए अपर चेस्ट है, यहाँ पे 25.5 इंच है, तो 25.5 का आधा होता है 12.5 इंच। तो यहाँ पे हम एक ये निशान लगा लेंगे, और इस निशान को लगाने के बाद में अब आपको ध्यान से देखना, ये जो अपर चेस्ट और फुल बस्ट का निशान है, तो यहाँ पे हमें इस तरह से एक निशान लगाना है। ये देखिए इस तरह से हमने निशान ये लगा लिया। अब यहाँ पे देखिए जो ये डॉट प्लेट है तो काफी गहरी पड़ेगी, क्योंकि अपर चेस्ट कम है, फुल बस्ट की उभार ज्यादा है, ठीक है। तो ये जो हमारी इसकी कटोरी कटेगी तो काफी गहरी उसमें डॉट प्लेट डलेगी, ठीक है। जब भी जो ये फुल बस्ट उभार होता है तो उसको कवर करके अच्छे से कटोरी बैठ पाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये चीज को ध्यान रखना है। अब ये हमने निशान लगा दिया, अब इसकी जो ये बस्ट पॉइंट की दूरी है तो वो हम निशान लगा लेते हैं। तो ये हम किस तरह से लगाएंगे, जो हमारी फुल बस्ट है उसको हमें 10 से डिवाइड करना है। तो दोस्तों 52 इंच फुल बस्ट है, इसको हम 10 से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये दोस्तों आ रहा है 5.25 इंच यानी 5.2, ठीक है। तो ये 5.25 इंच हो गया। यहाँ पे हमने ये बस्ट पॉइंट की दूरी का निशान लगा दिया इस तरह से। अब यहाँ पे आप एक चीज ध्यान से देखिएगा, ये जो यहाँ पे लोअर बस्ट है तो उसका निशान लगाना है। तो ये किस हिसाब से आप लगाएंगे तो इसका भी मैं आपको कैलकुलेट करके बता देता हूँ। फुल बस्ट को 12 से डिवाइड कर देना है, तो दोस्तों यहाँ पे जितना ये देखिए आएगा अंक, तो वो हमें यहाँ पे लोअर बस्ट का निशान लगा देना है। तो दोस्तों 52 इंच को हम 12 से डिवाइड कर रहे हैं तो 4.3 इंच आ रहा है, यानी 4 इंच 3 सूत, 4.25 इंच से 1 सूत प्लस। तो यहाँ पे हमें ये देखिए एक निशान लगाना है, ठीक है। ये निशान लगाने के बाद में अब यहाँ पे हमें एक स्ट्रेट निशान बिल्कुल सीधा लगा देना है। हमने इस तरह से निशान लगा दिया। अब यहाँ इसका हम आर्म होल कंप्लीट करेंगे, तो यहां से देखिए क्या करना है, पहले 20 सेंटर लेना है, ठीक है। तो ये 7.25 इंच है, तो 7.25 का आधा होता है दोस्तों 3.5 इंच में 1 पॉइंट कम। तो इस तरह से हमने ये एक निशान लगा दिया। अब इसका शोल्डर देखना कितना है, ये जो निशान हमारा लगा है बाजू का दबाव से, तो 8.5 इंच आ रहा है। तो इंची टेप को हम इसी तरह से रखेंगे 8.5 इंच पे, और 0.5 इंच इसमें हम माइनस कर देंगे अंदर की तरफ, ठीक है। तो इससे क्या है कि जो ये हमारा राउंड है तो इसका शेप अच्छी आएगी, और ब्लाउज में जो झोल वोल आता है तो ये बिल्कुल भी नहीं आएगा, ठीक है। ये देखिए हमने निशान इस तरह से लगा दिया। अब आपको ये फ्रेंच कर्व की जरूरत पड़ेगी, तो इस तरह से देखिए हम क्या करेंगे यहाँ पे। तो पहले आप क्या करें, 1.5 इंच से लेके आप 2.25 इंच तक एक ये हटके यहाँ से निशान लगा लेना, ठीक है। इसकी जो शेप है तो यहां से हमें इस तरह से गोलाई करके मिलाना है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, इस तरह से गोलाई करके हमें इस तरह से मिलाना है। तो ये हमारा आर्म होल एकदम परफेक्ट तैयार हो जाता है। अब इसका जो आर्म होल है तो वो हम नाप लेते हैं। यहाँ पे देखिए इस तरह से जो बाजू का दबाव है तो वो हमें इस तरह से माइनस करना है, क्योंकि जो ये पैटर्न मैं कटिंग करता हूँ तो दोस्तों इसमें आपको मार्जिन कहीं पे ऐड नहीं करना पड़ेगा। अगर आपको पैटर्न चाहिए तो पैटर्न दोस्तों मिल जाएंगे, ये 30 साइज से लेके 42 साइज तक के पैटर्न हमारे तैयार है, प्रिंसेस कट, कटोरी वाले 4 डॉट और कॉलर वाले 4 डॉट बेल्ट ब्लाउज,
सब्यसाची। तो इस तरह से पैटर्न तैयार है, तो आप पैटर्न हमारे से खरीद सकते हैं। और दोस्तों इनमें जो फिटिंग है बहुत ही परफेक्ट आती है, मैंने वीडियो पीछे डाली हुई है कटोरी वाले की, फोर डॉट की, तो आप उन वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो वो वीडियो आप देख के खुद आइडिया लगा सकते हैं कि ब्लाउज की जो फिटिंग है कितनी परफेक्ट है। ठीक है, अब इसका जो आर्म होल है तो वो हम नाप लेते हैं। तो ये देखिए जो बाजू का कंधे का दबाव है और बाजू का दबाव, तो अंदर वाले निशान से हमें नापना है। ठीक है, तो ये कंधे का जो दबाव है तो वो हमें माइनस कर देना इस तरह से, और इंची टेप को हम अंदर वाले निशान पे इस तरह से रखते जाएंगे। तो इससे क्या कि हमारा जो आर्म होल है एकदम परफेक्ट नप जाएगा। ठीक है, इस तरह से देखिए हम लेके ये इस तरह से नापेंगे। तो दोस्तों ये देखिए आ रहा है 10.5 इंच, यानी 21 इंच इसका आर्म होल है। तो फ्रंट पल्ले का 10.5 है, तो टोटल जो बैक पल्ले का आर्म होल नापेंगे 10.5 इंच, तो 21 इंच तैयार आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से आपको आर्म होल का निशान लगाना है। अब दोस्तों ये यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है, हमने ये लगाया था 5.25 इंच पे, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे देखिए 1 इंच अंदर की तरफ एक निशान हमें इस तरह से लगा लेना है, और इस निशान को इस निशान से इस तरह से मिला देंगे। ठीक है, ये हमने निशान इस तरह से मिला दिया है। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहां से 2 इंच एक ये निशान लगाना है, और बस्ट पॉइंट की दूरी और ये जो दूरी है, तो इस तरह से हम स्केल को इस तरह से रखेंगे देखिए, और यहां पे हम इस तरह से मिलाने के बाद में इस निशान को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अब दोस्तों ये साइज काफी हैवी है, तो दोस्तों इसका जो शोल्डर हम कम करेंगे सिर्फ 1.5 इंच कम करेंगे। ठीक है, यानी टोटल में 3 इंच कम करना है, ज्यादा नहीं कम करना। 9, 10 इंच, 11 इंच गला डीप होता तो दोस्तों इसका जो शोल्डर हम कम करते 2 इंच, 2.25 इंच, और ज्यादा होता गला डीप तो 2.5 इंच तक, यानी 3 इंच तक भी कर सकते। ठीक है, तो इसका जो शोल्डर हम देखिए कम कर रहे हैं, सिर्फ कम कर रहे हैं 1.5 इंच। ठीक है, इस तरह से आपको ध्यान से निशान लगाना है। अब इस निशान को ये देखिए जो बस्ट पॉइंट की दूरी है, तो उस वाले निशान पे इस तरह से मिला के रखना है, और मिलाने के बाद में इस निशान से इस तरह से हम मिला देंगे। ठीक है, तो ये निशान हमारा शोल्डर कम करने का लग गया है। अब दोस्तों इसकी देखिए ये डॉट प्लेट हमारी कितनी गहरी आएगी, तो वो हमें निकालना है। ठीक है, कमर है कितनी 46.5 इंच, 11.5 इंच में 1 पॉइंट एक्स्ट्रा कर देंगे, तो इस 46.5 इंच के आसपास हमारी कमर तैयार आ जाएगी। तो इस तरह से देखिए ये हमें पहले एक निशान लगा लेना। ठीक है, जो हमारी कमर तैयार आ रही है। अब इसके बाद में देखिए ये जो गैप है, तो ये दोस्तों हमारी यहाँ पे डॉट प्लेट आएगी। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये जो गैप है तो यहाँ पे डॉट प्लेट आएगी, 3 इंच 1 पॉइंट है, तो यहाँ पे हम ये प्लेट की गहराई का निशान लगा देते हैं। और इसके बाद में क्या करेंगे, इस वाले निशान को इस निशान से इस तरह से मिलाना है, तो ये जो डॉट प्लेट है हमारी एकदम कंप्लीट आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों ये देखना है, नापना है 4.5 है, और ये वाली भी प्लेट नापनी है। तो दोस्तों ये देखिए इस साइड से नाप रहे हैं, तो यहाँ हमारा सिलाई का जो मार्जिन नीचे का होता है तो वो ऐड हो चुका है। ठीक है, यानी 5 इंच में 1 पॉइंट कम है। ठीक है, तो इस साइड की जो डॉट प्लेट की लेंथ है तो वो हमें 5 इंच में 1 पॉइंट कम करके इस तरह से एक निशान लगाना है, ताकि जब ये दोनों प्लेट आपस में मिलेंगी तो बराबर मिले। ठीक है, छोटी बड़ी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो ये हमने इस तरह से निशान लगा दिया। इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1.25 इंच, दोस्तों ध्यान से देखिएगा, 1.25 इंच एक ये ऊपर की तरफ एक ये निशान हम यहाँ पे लगा लेंगे। ठीक है, और 1.25 इंच का निशान हमें यहाँ पे लगा लेना है। इस तरह से जब ये दोनों निशान लग जाते हैं तो आप इस वाले निशान को इस वाले निशान से मिला दीजिए। ये देखिए इस तरह से हमने मिला दिया। अब फ्रेंच कर्व लेना है, उसके बाद में देखिए ये वाला जो निशान है और ये वाला निशान, तो इस तरह से हम मिला के ये देखिए इस तरह से लगा देंगे। ठीक है, तो ये हमारी जो कटोरी है कुछ कुछ शेप आने लगा है, और नीचे की बेल्ट भी देखिए कंप्लीट होने लगी। ठीक है, तो इस तरह से हमने निशान कंप्लीट कर लिया है। अब दोस्तों इसकी हम पहले कटिंग कर लेते हैं, इसके बाद में बैक पल्ले की कटिंग करेंगे। तो इस निशान से देखिए हमें कटिंग करना है। डेढ़ इंच यहां पे हमें क्या करना है, सिलाई के लिए मार्जिन रख लेना है। आप 2 इंच भी रख सकते हैं या 1 इंच भी रख सकते हैं। ठीक है,
आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा। इन निशानों को ये देखिए इस तरह से हम मिला के ये हमें इस तरह से कंप्लीट करना है। तो ये देखिए इस तरह से फ्रंट हमारा कटिंग हो चुका है। अब दोस्तों देखिए हमें बैक पल्ले का निशान लगाना है। तो इस तरह से ये पेपर हमने ले लिया है और ये जो फ्रंट वाला भाग है तो देखिए इसके ऊपर हमें इस तरह से रखना है। ये जो हमारी सिलाई का मार्जिन है तो इस तरह से हम इधर की साइड हटा के रख लेंगे, ठीक है। और सबसे पहले ये देखिए हमें क्या करना है, इस तरह से जो शोल्डर का निशान है तो ये हमें यहाँ पे इस तरह से कंप्लीट करना है। आधा इंच ऊपर की तरफ एक निशान हमें इस तरह से लगा देना है। ये दोस्तों आधा इंच इसीलिए निशान लगाते हैं क्योंकि बैक पल्ले का ये जो आर्म होल है तो वो कम ना होने पाए और जो ब्लाउज की लंबाई है बैक पल्ले की तो वो भी छोटी ना होने पाए, ठीक है। वो भी मैं कारण बताऊंगा किस लिए रखा जाता है। तो इस तरह से देखिए हमने निशान लगा दिया है। अब इसके बाद में यहाँ पे आप एक चीज ये यहाँ पे भी निशान इस तरह से कंप्लीट कर देना है, ठीक है। और इस वाले निशान को भी हम ये देखिए इस तरह से कंप्लीट कर देंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दिया करो, अगर चैनल में हमारी पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। अब दोस्तों ये देखिए हम क्या करेंगे, 13 इंच पे इसकी जो डॉट प्लेट है तो वो निशान लगा लेना, ठीक है। आधा इंच जो हमने प्लस किया तो वो प्लस में ही रखना है ये वाला मार्जिन। ये हमने 13 इंच पे इस तरह से एक निशान लगा लिया। अब यहां पे देखिए फुल बस्ट इसकी कितनी है, 52 इंच। फ्रंट पल्ले के लिए हमने 4 इंच प्लस किया था, अब बैक पल्ले के लिए हम इसमें 4 इंच माइनस करेंगे तो यहां हमारा कितना हो जाएगा, 48 इंच। तो बैक पल्ला 48 इंच के हिसाब से कटेगा तो 48 का आधा कितना होता है, 24 इंच। तो ये देखिए हमारा निकल आया बैक का पल्ला 24 इंच का कटेगा, ठीक है। तो 24 का आधा कितना होता है, 12 इंच। तो 12 इंच पे हमें एक ये निशान लगा देना है। इस तरह से निशान लगाने के बाद में थोड़ा सा निशान हमें यहाँ पे स्ट्रेट करना पड़ेगा, ये देखिए इस तरह से, ताकि इसका जो आर्म होल है तो वो हम निशान लगा सकें सही से। इसके बाद में दोस्तों हम लेंगे फ्रंट वाला पल्ला फिर से दोबारा, और ये जो आधा इंच हमने बैक पल्ले को उठा के रखा था तो इस तरह से उसे प्लस में ही रखना है, इसको इस तरह से बराबर नहीं करना, ठीक है। यहीं से हम इस तरह से रखेंगे फ्रंट वाले पल्ले को। और रखने के बाद में अब यहाँ पे आप एक चीज ध्यान से देखिएगा, इस पल्ले को आपको इस तरह से नहीं खींचना, इस तरह से खींचेंगे आर्म होल आपका गड़बड़ हो जाएगा, बैक का पल्ला छोटा हो जाएगा और हो सकता है लंबा भी हो जाए, इसमें दोनों कारण हो सकते हैं। आपको क्या करना है, ये देखिए इस तरह से हम ये देखिए इस तरह से खींचेंगे, ठीक है। और ये जब हमारी दोनों लाइनें आपस में मिल जाती है फिटिंग वाली तो यहाँ पे हमें एक ये निशान लगा देना है। इससे दोस्तों हमारा पता चल जाता है कि ये हमारा आर्म होल कितनी नीचे तक आएगा। अब इस निशान को ये देखिए इस तरह से हम खींच देंगे, ठीक है। तो हमारा आर्म होल इस तरह से डाउन हो चुका है, आपको इसी तरह से डाउन कर लेना है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए अगर आपको नहीं समझ में आता खींचने में नीचे हो जाता है या ऊपर हो जाता है तो ये जब मैं कटिंग कर रहा हूं तो उसके बाद में इसका जब 20 सेंटर निकालता हूं तो वो दोस्तों देखिए यहां से पता चल जाता है कि हमारा इसका जो बैक का आर्म होल कितने पे डाउन हुआ है, तो 1.25 इंच पे। तो आप इसी साइज का ब्लाउज अगर कटिंग कर रहे हैं तो इसी तरह से आप डाउन कर सकते हैं 1.25 इंच पे, ठीक है। अब 1.25 का आधा होता है दोस्तों यहाँ पे देखिए 4 इंच में 1 पॉइंट कम, ठीक है। इस तरह से ये हमने 20 सेंटर का निशान लगा लिया। अब इसका जो शोल्डर है तो वो दोस्तों नापना है, तो ये दोस्तों 8.5 इंच आ रहा है, 8.5 इंच को हम यहाँ पे इस तरह से रखेंगे और इसमें दोस्तों हम क्या करेंगे, आधा इंच माइनस कर देंगे, ठीक है। इन निशानों को आपस में इस तरह से मिला के ये देखिए रखना है, ठीक है। ये निशान जब हमारा कंप्लीट हो जाता है इसके बाद में हमें फ्रेंच कर्व की जरूरत पड़ेगी। ये देखिए इस तरह से हम मिलाएंगे इसे,
और मिलाने के बाद में ये देखिए इस तरह से हमने आर्मोल का निशान लगा दिया, आधा इंच हमारी कंधी का दबाव हो जाता है और ये जो बाजू का दबाव है तो इस तरह से हम इसमें दोस्तों माइनस कर लेंगे ताकि हमारा जो आर्मोल है एकदम परफेक्ट आना चाहिए, कम ना ज्यादा हो। ठीक है, अब यहां से हम इंची टेप को इस तरह से रखेंगे और इस तरह से अंदर वाले निशान पे मिलाते हुए ये दोस्तों ध्यान से देखिएगा 10.5 इंच आ रहा है बैक का आर्मोल। ठीक है, फ्रंट का भी 10.5 था और बैक का भी 10.5 आ गया तो हमारा आर्मोल टोटल कितना हो जाएगा 21 इंच, जो कि एकदम परफेक्ट है। ठीक है, अब ये निशान हमारा लग चुका है। अब यहां पे देखिए आपको बैक पल्ले में प्लेट की दूरी कोई मायने नहीं रखती, आप कम ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, डीप ब्रॉड गले के हिसाब से तो हमने फ्रंट में ये दूरी जो लगाई थी 5.25 इंच लगाई थी, इसमें दोस्तों हम 4.5 इंच पे लगा लेते हैं। ठीक है, तो ये मैंने देखिए इस तरह से जो हमने अपर चेस्ट का निशान लगाया तो वो हमने निशान लगा लिया। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों जो ब्लाउज की लंबाई है तो यहां से हम नापेंगे 20 इंच पे, क्योंकि 19 इंच तैयार, आधा इंच हमारा नीचे का दबाव हो गया, आधा इंच ऊपर का, और ये कंधी का दबाव इसलिए इसमें प्लस करते हैं कि आर्मोल छोटा ना हो और बैक का पल्ला उठा के कटिंग करते हैं। ये उठा के किस लिए किया जाता है कि दोस्तों बैक साइड है तो दोस्तों इस तरह से देखिए राउंड आता है घूम के। ठीक है, तो ये जो घूम के आता है तो कवर कर लेता है, बैक का पल्ला हमारा ना छोटा पड़ेगा और ना खिंचाव मारेगा। ठीक है, तो इसलिए आप ये उठा के कटिंग करें। ठीक है, ये निशान हमने इस तरह से कंप्लीट कर लिया। अब इसकी जो कमर है तो कमर हमें नापना है 46.5 इंच है तो 46.5 का चौथा भाग करना है तो दोस्तों 11.5 इंच में 1 पॉइंट एक्स्ट्रा कर लेंगे तो हमारी जो कमर है एकदम परफेक्ट आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से देखिए हमने निशान लगा लिया और इस निशान को इस वाले निशान पे मिला देना है। अभी हमें इसमें डॉट प्लेट कोई नहीं देनी, ये आप ध्यान से देख लेना। ठीक है, डॉट प्लेट ऑटोमेटिक इसमें आ जाएगी। ये देखिए हमने इस तरह से निशान लगा लिया, तो ये देखिए हमने निशान लगा लिया लंबाई का। अब इस निशान से हम क्या करेंगे, ये निशान को आप इससे ना लगाएं, इस वाले स्केल से लगाएंगे तो एकदम आपका स्ट्रेट निशान हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए यहां से इस निशान को मिलाएंगे और यहां से बराबर मिला लेंगे तो हमारा एकदम सीधा निशान लग जाएगा। ठीक है, ना छोटा होगा ना बड़ा होगा, इस तरह से हमने ये निशान लगा लिया, कंप्लीट कर लिया है। अब दोस्तों यहां पे एक चीज आपको ध्यान से देखनी है, इसका जो शोल्डर है तो दोस्तों हम 2.25 इंच कम कर लेते हैं। फ्रंट का हमने 1.5 इंच कम किया था लेकिन बैक का 2.25 इंच कम कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद में 2 इंच पे एक ये निशान लगाना है, इस निशान को इस वाले निशान पे इस तरह से मिला देना है। ये देखिए हमने इस तरह से मिला दिया और इस वाले निशान को इस वाले निशान से मिलाना है तो यहां तक ही बस हम मिलाएंगे तो इससे हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए बैक पल्ला हमारा कंप्लीट हो चुका है, इसकी भी हम कटिंग कर लेते हैं। दोस्तों वीडियो काफी लंबी हो जाती है क्योंकि कोई चीज जब डिटेल में बताएंगे ना तो उससे क्या है कि टाइम लगता है, अगर शॉर्टकट में बता देंगे तो उससे क्या है कि आपका टाइम बच जाएगा लेकिन आपको कई चीजों की नॉलेज नहीं मिल पाएगी तो उससे कोई आपका बेनिफिट नहीं होने वाला। इसलिए वीडियो की लेंथ कितनी भी हो जाए लेकिन जो चीज है अच्छे से बनना चाहिए ब्लाउज हमारा और फिटिंग एकदम परफेक्ट ही आना चाहिए। अब इसमें भी हमें 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन रख लेना है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये देखिए इस तरह से 1.5 इंच पे एक निशान हम ये लगा लेंगे ताकि निशान हमारा एकदम स्ट्रेट लगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका जो शोल्डर है तो वो कम कर लेते हैं, यहां से हमें ये कटिंग करना है और नीचे की जो डॉट प्लेट है तो इसको भी हमें इस तरह से कटिंग कर देना, थोड़ा सा ज्वाइंट रखेंगे। और अब हम लेंगे ग्लू और दोस्तों ग्लू को हमें क्या करना है, ये देखिए इस तरह से इसमें लगाना है। ठीक है, ये हमने इस तरह से लगा लिया और अब हम ये लेंगे इस तरह से, ये देखिए जो निशान है ना
इस निशान से हमें इस तरह से मिला के रखना है, कम हो ना ज्यादा, और इस निशान को इस तरह से हम मिला देंगे। तो ये देखिए हमारा जो निशान है एकदम कंप्लीट हो जाता है। और इसमें दोस्तों देखिए जो डॉट प्लेट है तो वो भी आ चुकी है, ठीक है। और इसका जो अपर चेस्ट है तो वो भी कम हो चुका है। अब यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ अपर चेस्ट कितना कम हुआ है। तो दोस्तों ये देखिए यहाँ पे कितना आ रहा था, 12x24 इंच, ठीक है, ये निशान 12 पे आ रहा था। और यहाँ पे कितना आ रहा है, ये दोस्तों आ रहा है 11 इंच में, 1 पॉइंट एक्स्ट्रा, ठीक है, यानी 1/4 इंच इधर से कम हो गया हमारा। एक पल्ले में 1/4 इंच कितना होता है, 1.5 इंच, ठीक है। और इसी तरह से हमने फ्रंट वाले पल्ले में कम कर दिया था। तो दोस्तों इस तरह से हमारा इसका जो अपर चेस्ट का भाग है तो वो कम हो चुका है, ठीक है। अब इसमें कोई झोल वगैरह नहीं आएगा, ठीक है। इस तरह से कटिंग करने के बाद में आप गले का निशान लगा लीजिए, जितना गला है तो उस गले को 1/2 इंच हमें प्लस कर लेना है। तो 8.5 इंच पे हमने भी निशान लगा लेंगे, क्योंकि गला इसका दोस्तों काफी छोटा है साइज के हिसाब से। अब कस्टमर के हिसाब से हमें डिमांड पूरी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये देखिए हमने निशान इस तरह से लगा लिया है। इसका जो गला ब्रॉड हम रखेंगे दोस्तों 6 इंच रखेंगे, आप 6.5 भी रख सकते हैं, 50 इंच है तो 6.5 रख देते हैं, यानी 3.25 इंच, ठीक है। इस तरह से ये निशान लगाने के बाद में नीचे भी हम थोड़ा सा फैला लेंगे, आप अपने हिसाब से इसे नीचे की तरफ फैला सकते हैं। ये निशान हम इस तरह से लगाने के बाद में ये दोस्तों देखिए इस तरह से निशान लगाएंगे। अब लेंगे हम फ्रेंच कर्व और जो गले की गुलाई है तो वो हमें इस तरह से निशान लगाना है। तो ये देखिए बैक का गला है कंप्लीट हो चुका है, अब गले की हमें कटिंग कर देना है। तो इस तरह से देखिए बैक पल्ला हमारा कटिंग हो चुका है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, फ्रंट वाले भाग को कटिंग करेंगे। सबसे पहले इसकी हम बेल्ट की कटिंग कर लेते हैं, ये ऊपर वाले निशान से इस तरह से हमें कटिंग करके, ये देखिए बेल्ट हमारी अभी यहाँ पे इतनी छोटी हो चुकी है तो इसको भी बराबर कर लेना है। इसका जो सेंटर है तो वो हमें एक निशान यहाँ पे लगा लेना है, ये डॉट प्लेट का सेंटर आएगा। तो बेल्ट को अभी हम हटा के रखते हैं और इस प्लेट को इस तरह से ये देखिए हमें कटिंग करना है, ये वाले भाग को भी हमें कटिंग कर देना है। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे इस तरह से रखेंगे और लगाएंगे इसमें हम ग्लू, ये हमने इस तरह से ग्लू लगा दिया इसमें। ये देखिए इसमें हमें हुक को राई के लिए सिलाई का मार्जिन रखना है, ठीक है। तो ये जो निशान है तो निशान को हम इस तरह से निशान से मिलाएंगे, तो यहाँ पे दोस्तों इस तरह से देखिए हुक को राई के लिए मार्जिन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस तरह से देखिए ध्यान से आप देखिएगा, ये निशान को हम इस तरह से कंप्लीट कर देंगे और ये जो हुक का एक मार्जिन है तो ये हमारा देखिए आ चुका है इसमें, ठीक है। इस तरह से देखिए हमारा फ्रंट का पल्ला तैयार हो रहा है। अब इसका जो गले का ब्रॉड है तो दोस्तों बैक पल्ले के हिसाब से हमें रख लेना है। तो बैक पल्ले को हम क्या करेंगे, यहां से मिला के रखेंगे। ये जो गला हमारा ब्रॉड निकल आया है इसमें, गला फ्रंट का दोस्तों डीप है 8.5 इंच, बैक का डीप कम है लेकिन फ्रंट का डीप ज्यादा है। तो 9 इंच पे हमें यहाँ पे एक ये निशान लगाना है और इस निशान को ये देखिए इस तरह से लगा देंगे। और ये जो ब्रॉड वाला निशान है तो इस तरह से हमें निशान लगाना है। आप इसको स्ट्रेट लगा सकते हैं, हैवी साइज है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इसकी जो गले की शेप है तो इस तरह से हमें देखिए देना है। अब ये जो गला है तो गले को हम पहले चाहे कटिंग कर लें या कटोरी का निशान लगा लें, तो आप किस तरह से भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी। तो पहले हम कटोरी का ही निशान लगा लेते हैं, तो आपका एकदम परफेक्ट आ जाएगा। अब ध्यान से देखना है, ठीक है, यहाँ का जो फुल बस्ट है तो हमें तिहाई हिस्सा लेना है। कितना लेना है, तिहाई हिस्सा, तीसरा भाग, 4.5 इंच में 1 पॉइंट एक्स्ट्रा। ये देखिए इस तरह से हमने निशान लगा दिया, ये कितना है 4.5 में 1 पॉइंट एक्स्ट्रा। यहाँ पे दोस्तों 1/2 इंच इसमें हम और प्लस कर देंगे, ठीक है, यानी 5 इंच में 1 पॉइंट एक्स्ट्रा करना है।
ये हमने इस तरह से कर दिया। अब इन दोनों निशानों को इस तरह से हम ये देखिए सीधा करके निशान लगा देंगे। ये देखिए कटोरी की शेप हमारी आनी शुरू हो चुकी है। अब यहां से हम क्या करेंगे, एक इंच ऊपर की तरफ ये निशान लगाएंगे जो हमारा गले की जहां पे शेप आ रही है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे हमें फ्रेंच कर्व लेना है और इस निशान को यहां पे इस तरह से मिलाना है, और इस तरह से मिलाने के बाद में ये देखिए इस तरह से हमने निशान लगा दिया, तो ये हमारी कटोरी तैयार हो चुकी है। अब दोस्तों हम गले की कटिंग कर लेते हैं पहले। इस तरह से हमारा गला कटिंग हो चुका है। अब ये जो कटोरी है तो कटोरी को कटिंग कर लेते हैं। इसमें अगर आपको थोड़ी बहुत शेप में चेंजिंग लगती है तो आप अपने हिसाब से शेप इसकी सही से कर सकते हैं, लेकिन शेप है बिल्कुल परफेक्ट है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो ये दोस्तों देखिए साइड का पैटर्न हमारा तैयार हो चुका है। अब ये जो कटोरी है तो दोस्तों कटोरी में आपको सिलाई का मार्जिन देना है यहाँ पे, ठीक है, और ये जो पार्ट है तो इसमें भी आपको सिलाई का मार्जिन दे देना है। लेकिन जो मैं पैटर्न तैयार करता हूँ तो दोस्तों ये जैसे हमारी ब्लाउज की कटिंग हो गई तो दूसरा पेपर लेके दोस्तों ये देखिए जो सिलाई का मार्जिन है उसको हम ऐड करके पैटर्न को तैयार करते हैं, तो हमारा जो पैटर्न है एकदम फिक्स होता है, उसमें आपको कोई एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेना, ठीक है। तो इस तरह से देखिए कटोरी को हम एक बार शेप दे लेते हैं, बाकी जब हम ब्लाउज की कटिंग करेंगे तो यहाँ पे हम एक्स्ट्रा मार्जिन दे देंगे, इसको हम दोबारा से रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन आप पैटर्न अगर खरीदते हैं तो आपको एकदम पैटर्न कंप्लीट मिलेंगे। तो सबसे पहले तो हमें ये देखिए पेपर लेना है, इस तरह से पेपर लेने के बाद में इस साइड से हम पहले इसे बराबर मिला के रखेंगे और बिल्कुल कटोरी के बराबर से हमें निशान उठा लेना है, कहीं पे कम ज्यादा बिल्कुल भी नहीं लेना। इस तरह से हमारी कटोरी तैयार हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिलाई का मार्जिन दे देंगे। ये देखिए इसकी हमें कटिंग कर लेना है। अब ये दोस्तों देखिए क्या करना है, इस तरह से हम यहां से इस तरह से मिलाएंगे। ये देखिए यहां से बराबर मिल जाना चाहिए और मिलने के बाद में ये सेंटर हमारा इस तरह से कटोरी का बन जाता है, ठीक है। अब दोस्तों आपको यहाँ पे कमर नापनी है। अब दोस्तों देखिए इसकी जो डॉट प्लेट की गहराई कितनी आएगी तो वो हमें नापना है। तो ये देखिए इसमें मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन रख लिया है, लेकिन अभी इसमें नहीं रखा, कपड़े में रखूंगा, ठीक है। तो इस वाले पल्ले को इस निशान के बराबर से हमें इस तरह से मिला के रखना है। और अब हम इसकी कमर नाप लेते हैं। कमर हमारी 46 इंच है, तो 46 का चौथा भाग होता है दोस्तों ये 11.5 इंच में 1 पॉइंट एक्स्ट्रा करना है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे आएगा। अब दोस्तों यहाँ पे हमें ये देखिए नापना है, यानी हमारी 4 इंच की ये प्लेट आएगी। ध्यान से देखिएगा, 4 इंच की हमारी प्लेट आ रही है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस वाले पल्ले को यहां से देखिए इस तरह से बराबर मिला के और इसे हमें इस तरह से फोल्ड कर लेना है। और फोल्ड करने के बाद में हम क्या करेंगे, 2 इंच पे ये देखिए इस तरह से निशान लगा लेंगे, ठीक है। और इसके बाद में ये जो डॉट पॉइंट है तो दोस्तों 4.5 इंच पे एक निशान हमें लगा लेना है। आधा इंच डॉट प्लेट नीचे खिसका लेंगे, इससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब इस वाले निशान को इस तरह से देखिए हमें मिलाना है, और मिलाने के बाद में इसकी हमें शेप दे देना है, ये देखिए। और यहां पे हम एक लगा देंगे इस तरह से कट, और यहां पे लगा देंगे कट। तो इस तरह से दोस्तों ये देखिए जो हमारी कटोरी एकदम परफेक्ट आ जाती है। अब इसको हम क्या करेंगे, इस तरह से फोल्ड करेंगे, और फोल्ड करने के बाद में इसकी गहराई देखते हैं कटोरी की। तो दोस्तों ये देखिए आ रही गहराई, जो कि एकदम परफेक्ट आ जाएगी, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी, जो इसकी जो उभार है काफी अच्छी है, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों देखिए हमारा ब्लाउज कटिंग हो चुका है।
अब हमें बेल्ट इसकी कटिंग कर लेना है। ये देखिए इस एक्स्ट्रा कपड़ा को हमें कटिंग करके पहले निकाल देना है। ये हमने इस तरह से निकाल दिया। अब इसकी जो बेल्ट है तो वो हमें कटिंग कर लेना है। तो सबसे पहले नीचे की तरफ हम 1 इंच इसमें दबाव ले लेंगे। और ये वाले जो 1 इंच हमने दबाव लिया है तो इस तरह से बेल्ट को ऊपर की तरफ रखना है, ठीक है। और ये निशान को हम देखिए यहां पे इस तरह से कंप्लीट करेंगे, ऊपर की तरफ है। तो सबसे पहले हम इस साइड से निशान लगाना शुरू करेंगे क्योंकि उधर हमें थोड़ा सा निशान को शेप देना पड़ेगा, ठीक है। ये यहां तक हम लगा लेते हैं और उसके बाद में ये निशान आया यहाँ पे, तो इस निशान को स्केल की मदद से हमें पहले सीधा करना है, उसके बाद में दोस्तों इसकी जो शेप है हमें देना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस वाले निशान को ये देखिए इस तरह से हमें स्ट्रेट कर लेना है, ठीक है। ये स्ट्रेट हो चुका है। अब हम यहां से इस तरह से रखेंगे और इस वाले निशान को यहीं पे पकड़ेंगे और ये जो निशान देखिए आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से हमें बेल्ट की शेप देना है यहाँ पे इस तरह से। ये हमने शेप दे दिया। और दोस्तों ये देखिए जो हम इस इधर की बेल्ट को इस तरह से कम करते हैं, तो इसी वजह से कम करते हैं क्योंकि ये जब हमारी शेप आती है तो दोस्तों इस तरह से बेल्ट होना चाहिए, ठीक है। जब भी बेल्ट की अच्छी से शेप आती है। और ये हमारा जो सिलाई का मार्जिन है तो ये हमने इसमें ऐड कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, ये वाली बेल्ट को फेंक देते हैं क्योंकि इसका कोई काम है नहीं। अब कमर है 46.5 इंच, तो 46.5 का चौथा भाग एक निशान लगा लेना है। यहाँ पे दोस्तों हम 1 इंच इसमें प्लस करेंगे, ठीक है। तो 11.5 इंच में 1 पॉइंट किया था तो यहाँ पे हमें 12.5 इंच में 1 पॉइंट एक्स्ट्रा करना है। इस तरह से ये हमारा निशान कंप्लीट हुआ है। और इस निशान को इस तरह से लगा देंगे, 1.5 इंच का यहाँ पे हमें सिलाई का मार्जिन ले लेना है। तो ये देखिए जो बेल्ट है हमारी इस तरह से कंप्लीट हो चुकी है। अब इसकी हमें कटिंग कर देना है। अब यहाँ पे एक चीज आपको और नापना पड़ेगा दोबारा से। ये देखिए यहाँ पे हम इस तरह से रखेंगे फ्रंट वाले पल्ले को और बैक वाले को, यहाँ से बराबर मिला लेना और इस तरह से मिला के रखेंगे। और दोस्तों इसका जो देखिए मार्जिन है, तो ऊपर का मार्जिन और नीचे का मार्जिन आधा आधा इंच हमें कम कर लेना है और इसका भी आधा इंच मार्जिन कम कर लेना है। तो ये पहले हम कर लेते हैं ताकि बाद में दिक्कत ना आए। ये देखिए आधा इंच का मार्जिन इसका हो गया और आधा इंच का मार्जिन हम इसमें रख लेंगे, ठीक है। और इधर नीचे का भी आधा इंच का मार्जिन रख लेना है। अब दोस्तों यहां से देखिए हमने मिला के रखा हुआ है इसे, और इस वाले भाग को हम क्या करेंगे इस तरह से मिला के बिल्कुल रखेंगे, ठीक है। तो ये दोस्तों देखिए एकदम आ रहा है परफेक्ट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ना छोटा है ना बड़ा है। ये देखिए यहां से नीचे से एकदम बराबर है। और ये जो सिलाई का मार्जिन है और ये वाला मार्जिन बिल्कुल आमने सामने मिल रहा है, तो एकदम परफेक्ट कटिंग हुई हमारे ब्लाउज की। तो इसी तरह से आपको 50 से लेके 52 इंच तक के ब्लाउज की कटिंग करना है। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत आती है तो आप हमारे कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, या ये जो व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है तो इस व्हाट्सएप नंबर पे भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों बाजू की कटिंग मैंने बहुत सारी वीडियो की डालती है, तो वो आप बाजू की कटिंग सेम उसी तरह से करना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप आगे से बोलेंगे तो बाजू की भी कटिंग करके मैं बता दूंगा। अगर आपको ये 52 साइज कटोरी ब्लाउज की कटिंग का तरीका पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि जब हम नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नया लेके, तब तक के लिए नमस्कार।